साधु सुंदर सिंह एक असाधारण मिशनरी थे। उन्होंने अपनी पूरी यात्रा नंगे पैर ही की और कुछ अलौकिक पलों का सामना किया। वे 1889 में जन्मे और माना जाता है कि उनकी मृत्यु 1929 में हिमालय की तलहटी में हुई थी। सुंदर सिंह का जन्म उत्तरी भारत में लुधियाना के रामपुर कटानिया गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। पड़ोसी अमेरिकी प्रेस्बिटेरियन स्कूल में उनकी शिक्षा की अवधि बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं थी। भविष्य का ये संत स्कूल और घर दोनों में एक शरारती लड़का था, जो अपने गांव और पड़ोस में मसीह के प्रचारकों के खिलाफ युवाओं के गिरोह का नेतृत्व करता था। उनका शुरुआती लक्ष्य ईसाई धर्म को नष्ट करना था। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी प्यारी मां को खो दिया और इसीलिए गुस्से में उन्होंने बाइबल को जला दिया। जब ईसाई धर्म प्रचारक उनके पास के नगर में प्रचार कर रहे होते तो वह अपने नौकरों को भेजकर उन पर गोबर फेंकवाता, परंतु वे हमेशा शांति की तलाश में लगे रहते थे। एक साधु ने अपने विश्वास परिवर्तन से महीनों पहले उनके घर का दौरा किया और कहा, यह बालक भविष्य में दुनिया का एक महान व्यक्ति बनेगा या फिर एक पागल बनेगा। एक दिन उनके पिता ने उन्हें तब फटकार लगाई जब उन्होंने उन्हें मिट्टी का तेल डालकर बाइबल जलाते हुए अत्यंत खुश होते हुए देखा। यद्यपि उन्होंने इसे एक सराहनीय कार्य के रूप में गिना, लेकिन इस कट्टरता के तुरंत बाद एक गहरी अशांति ने उन्हें जकड़ लिया। वो 3 दिन तक न खा सके और न ही सो सके। उनकी परमेश्वर की वास्तविकता खोजने की यह गहन खोज ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। यदि उन्हें वास्तविक शांति नहीं मिलती तो वे अपना जीवन समाप्त करना चाहते थे। फिर वो ध्यान और प्रार्थना में बैठ गए और उन्होंने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, अगर कोई परमेश्वर है, अगर आप मुझे जवाब देंगे और आज सुबह 5 बजे से पहले मुझे शांति देंगे और मुझे अपने असली रूप में दर्शन देंगे, तो मैं एक साधु के रूप में मेरे पूरे जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। अगर मुझे आपसे कोई जवाब नहीं मिलता तो मैं अपने घर के पीछे रेल की पटरियों पर जब सुबह लुधियाना मेल गुजरेगी तब सुबह खुद को फेंक कर अपना जीवन समाप्त कर लूंगा। सुंदर अपनी बोली गई बातों का पक्का इरादा कर चुका था। वह प्रार्थना और ध्यान करता रहा और 4 बजे उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। 4:30 बजे जब उन्होंने फिर अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने कमरे में एक सफेद धुएं जैसा उजियाला देखा। एक पल के लिए उन्हें लगा कि उनके कमरे में आग लगी है, लेकिन फिर विचार आया कि शायद परमेश्वर उनका जवाब दे रहे थे और उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही वे प्रार्थना करने लगे तो एकाएक उनके सामने एक अति महिमामय आकृति प्रकट हुई, जिसकी चमक दोपहर के धूप से कहीं ज्यादा थी। फिर भी वे ऐसी चमक से चकाचौंध हुए बिना देख पा रहे थे। फिर उन्होंने उस आकृति के सिर पर, जो छत और फर्श के बीच में खड़ा था, एक कांटों का ताज देखा। उसके हाथ, पैर और बाजू में घाव थे जिसमें से खून बह रहा था। वो मसीह है ये पहचानने के बावजूद सुंदर ने यह कहकर अपना मुंह फेर लिया कि ये उनमें से कोई भी एक अवतार नहीं जिन्हें मैं विश्वास करता हूं। पर फिर उन्होंने ये शब्द सुने, मैं मसीह हूं जिसे तू सता रहा है, मेरे जरिए ही मुक्ति मिलेगी। अगर अभी तुम मेरा विश्वास करते हो तो तुम बच जाओगे, अगर तुम मेरा विश्वास नहीं करते तो हमेशा के लिए श्रापित ठहरोगे। फिर उन्हें याद आया कि उन्होंने कभी भी मसीह से प्रार्थना नहीं की थी, बल्कि सार्वभौमिक ईश्वर से स्वयं को प्रकट करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने परमेश्वर को चुनौती दी थी कि अगर वह उसे दिखाई देगा वह पीछे न हटेंगे परंतु उसके पीछे हो लेंगे। उन्होंने कभी एक पल के लिए भी उम्मीद नहीं की थी
कि उनकी प्रार्थना का जवाब मसीह ही था। अब वह जीवित परमेश्वर के प्रकटीकरण से कैसे इनकार कर सकते थे। तुरंत ही वे प्रभु यीशु के चरणों में गिर पड़े और उनकी आराधना की। एक बिजली की शक्ति की तरह एक पराक्रमी शक्ति उनमें प्रवाहित हुई और उन पर बड़ी शांति छा गई। वे इतने आनंदित थे कि उसके बाद उनका सारा जीवन उन्होंने जीवित परमेश्वर की सेवा में लगा दिया। शुरू से ही सुंदर सिंह ने मसीह के प्रति अपने परिवर्तन को छिपाया नहीं। जब वह सार्वजनिक रूप से यीशु को अपना परमेश्वर मानने लगे तो उनके परिवार और रिश्तेदारों का गुस्सा और भी ज्यादा हो गया। जिस लड़के ने अपने ईसाई शिक्षकों से घृणा और उपहास किया था, अब वह हर किसी के आश्चर्य का कारण बन गया। उनके तत्कालीन मित्र, जिनका उन्होंने ईसाइयों के उत्पीड़न के लिए कई दंगों का नेतृत्व किया, अब जल्द ही उनके दुश्मन बन गए। जल्द ही पूरे समुदाय का गुस्सा रामपुर में ईसाइयों के छोटे समूह पर आ गया। सभी ने उनका समाज से बहिष्कार किया। सुंदर सिंह वहां से चले गए। उन्हें लुभाने के लिए उनसे निवेदन किया, तुम हमारी बेटियों में से एक से विवाह क्यों नहीं कर लेते? उनमें से एक ने उन्हें सोने के आभूषण और सोने से भरी एक संदूक दिखाई और वादा किया कि वो अपनी बेटी के विवाह के साथ ये सोना भी उन्हें देगा। उनके द्वारा दी गई शानदार दौलत को देखकर युवा सुंदर सिंह ने कहा, ये सारा सोना मुझे वो शांति नहीं दे सकता जो कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दी है। यीशु के पीछे चलने के सुंदर सिंह के दृढ़ संकल्प ने उनके पिता को और गुस्सैल और उतारू बना दिया। घर से बाहर निकाल दिए जाने के बाद सुंदर सिंह उस ठंडी रात में सिर्फ अपने पहने हुए कपड़े और एक नया नियम लेकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि घर में उनके आखिरी भोजन के साथ उन्हें मारने की योजना से उन्हें जहर दिया गया था। वे पूरी रात जंगल के रास्ते में कांपते रहे और रेलवे की पटरियों पर चलते हुए आगे बढ़ते गए और रेलवे स्टेशन पहुंचकर एक ट्रेन में चढ़े। ट्रेन में वे गंभीर रूप से बीमार हो गए और उन्हें खून की उल्टी हुई। ट्रेन से उतरने के बाद वे पास ही में पड़ोस में एक ऐसी जगह गए जहां पर उनके स्वास्थ्य की अच्छे से और प्यार से देखभाल हुई और वे जहर के घातक प्रभाव से बाहर आ सके। डॉक्टर, जिन्हें उन्हें देखने के लिए बुला गया था, उन्होंने कहा कि वे मर जाएंगे और इसी डर से उन्हें कोई दवाई नहीं दी गई क्योंकि उनका मरना निश्चित था। जब सुंदर सिंह को होश आया तो उन्होंने डॉक्टर को बाइबल से मरकुस के सुसमाचार का 16वां अध्याय पढ़ने को कहा। इस घटना को बहुत बाद में बताते हुए सुंदर सिंह ने कहा, वे पुनरुत्थान की कहानी पर हंसने लगे थे और फिर अगली सुबह उन्होंने काफी तरोताजा महसूस किया, जैसा कि उन्हें नया जीवन मिल गया हो। जब डॉक्टर आए और उन्होंने उन्हें बाहर धूप में बैठे देखा तो वे बहुत अचंभित और शर्मिंदा हुए और बिना कुछ कहे चले गए। पूरे ऐशो आराम में बड़े हुए पर अब बेघर उन्होंने उत्तर भारत की कठोर ठंड का काफी साहस से सामना किया। उनकी यात्रा उन्हें सोच से भी परे कई दुर्गम इलाकों तक ले गई। अपनी किशोरावस्था में अभी भी एक कोमल युवक होते हुए भी उन्होंने बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के बीहड़ इलाकों में धार्मिक कट्टरता के सबसे कट्टर और अलग थलग पड़ाव में परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाया। इससे पहले कि बर्फबारी से कश्मीर जाने का मार्ग बंद हो जाए, उन्होंने कश्मीर की भी यात्रा की, एक ऐसी जगह जहां सुसमाचार के प्रति अत्यंत घृणा थी, उनको स्वीकारा नहीं गया। इसी कारण से उन्हें सड़क के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में आश्रय लेना पड़ा। एक बार एक अजीब वाकया ऐसा हुआ कि पूरी रात भर सुबह होने तक उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि उनके पलंग पर एक कोबरा कुंडली मारे हुए बैठा था। सुबह जब वो उठे और उनके बगल में उस विषैले कोबरा को देखा तो वे तुरंत पलंग से नीचे उतरकर वहां से भाग गए।
तब प्रभु ने उन्हें धीरे से यह कहते हुए फटकार लगाई, क्या मैंने तुम्हें रात भर सुरक्षित नहीं रखा? जाओ और अपने शॉल को ले आओ। जैसे ही उन्होंने अपनी शॉल खींची तो कोबरा वहां से धीरे से रेंगकर चला गया। एक स्थान पर उन्होंने अपनी तरफ एक गुस्सेल भीड़ को आते देखा जो उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाना चाहते थे। सुंदर सिंह को पता था कि इस भीड़ के रोष और क्रोध से वे बच नहीं सकते और उन्हें लगा कि उनका अंत निकट है, इसलिए उन्होंने घुटने टेक दिए और अपनी आत्मा प्रभु को सौंप दी। प्रार्थना के बाद जब वे अपनी उस अनुग्रहित अवस्था से उठे और जब उन्होंने ऊपर दृष्टि की तो उन्होंने उस बड़ी भीड़ को अफरा तफरी में भागते देखा। अगले दिन भी वही बड़ी भीड़ उन्हें कुछ दूर दिखाई दी और सुंदर सिंह को लगा कि वे उन्हें मारने का पक्का इरादा लिए वे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। और जब बड़ी भीड़ पास में आई तो उन्होंने कोई दुर्भावनापूर्ण इरादे नहीं दिखाए। हालांकि सुंदर सिंह ने उनसे मुलाकात की और उन्हें बताया कि वह यीशु के लिए मारे जाने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने उन्हें बताया कि वास्तव में पिछले दिन क्या हुआ था। उनमें से एक ने कहा, हम कल वास्तव में आपको मारने के लिए आए थे, लेकिन हमने आपके चारों ओर तेजोमय प्राणियों को सफेद रंग में देखा। हम लोग बहुत डर गए थे, इसलिए हम भाग गए। सुंदर सिंह को यह ज्ञात नहीं था कि जब भीड़ उनके पास आ रही थी तब परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने आकर उन्हें घेर लिया था। वे कौन लोग थे जिन्होंने आपको घेर लिया था? भीड़ में से एक ने पूछा। अब इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर था, जैसा भजन संहिता 34 उसके साथ में लिखा है, यहोवा के डरवयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। और यूं देखा जाए तो सुंदर सिंह के आसपास उस वक्त कोई भी व्यक्ति सहायता के लिए नहीं था। फिर वही भीड़ पिछले दिन जो उनके खून की प्यासी थी, उन्होंने सुंदर सिंह के होठों से परमेश्वर का वचन पूरे भय और भक्ति से सुना। प्रसिद्ध लेखक सीएफ एंड्रयूज सुंदर सिंह और सैमुअल स्टोक्स के साथ शिमला के आसपास पहाड़ों में तिब्बत की सड़क पर कोटगढ़ नामक एक छोटी सी जगह पर आए थे। मिस्टर एंड्रयूज उस नौजवान के बारे में कहते हैं कि इतना दर्द सहने के बाद भी उनके चेहरे पर एक बच्चों सी मासूमियत थी। उनके अद्भुत आंखों के अलावा ऐसा कुछ नहीं था जो पहली नजर में प्रभावित कर सके। वो रोशन आंखें जंगल में पानी के एक ऐसे कुंड की तरह थी जिसपे सूरज की किरणें पड़ रही हो। सीएफ एंड्रयूज ने यह भी लिखा है, कोटगढ़ गांव के ठीक ऊपर एक गुफा थी। वह गुफा सुंदर सिंह स्टोक्स और उनके कुछ नव युवकों के झुंड का घर बन गया। वो वास्तव में एक बहुत ही अजीबोगरीब झुंड था। उनमें से दो युवक कुष्ठ रोगियों के बच्चे थे और संदेह था कि शायद उन्हें भी कुष्ठ रोग है। उनमें से एक अंधा था और दूसरा अपंग था। एक मुर्गी जैसे अपने पंखों की आड़ में अपने बच्चों को संभालती है, वैसे ही स्टोक्स ने इन सब की देखभाल की। ऐसा खुशहाल झुंड शायद ही कहीं मिले। उन्हें पता ही नहीं था दुख क्या होता है। उस छोटे से झुंड के साथ रहते हुए सुंदर आगे एक मुश्किल दौर के लिए मजबूत नींव रख रहे थे। जो लोग उसके साथ रहते थे उन्होंने न केवल कुछ अद्भुत घटनाओं को देखा बल्कि उनको दर्ज भी किया जो सुंदर सिंह के आसपास लगातार घटित होती रहती थी। सीएफ एंड्रयूज ने जो बाद में इंग्लैंड में YMCA सचिव बने, एक रात की अद्भुत घटना जिसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने लिखा, एक बार एक जानवर सुंदर सिंह की ओर आ रहा था। जैसे ही नजदीक आया मैंने देखा कि ये एक तेंदुआ था। डर के मारे मैं सुंदर सिंह को बुला भी नहीं पाया और खिड़की के पास एकदम स्थिर खड़ा रहा। तभी साधु उस तेंदुए की ओर मुड़ा और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और मानो जैसे कि वो एक कुत्ता हो तेंदुए ने अपना सर आगे बढ़ाया ताकि सुंदर उस पर हाथ फेर सके। यह एक अजीब अविश्वसनीय दृश्य था
और मैं इसे कभी भी नहीं भूल सकता। इसके कुछ वक्त बाद सुंदर सिंह तो सो गए, पर मैं जो भी घटित हुआ था उसके बारे में सोचता रहा। तिब्बत के पठारों और जंगलों के लिए प्रभु ने उनके हृदय में एक बोझ दिया था। इन्हीं जंगलों में जरूरतमंद और बिखरे हुए समुदायों में, जहां पर मसीह का नाम कभी सुना ही नहीं गया था, सुंदर सिंह मसीह का नाम घोषित करने के अपने मिशन में पूरे उत्साह के साथ बढ़ते गए। सन 1908 से 1929 तक उन्होंने 19 और यात्राएं की। 7000 फीट की ऊंचाई और शिमला से 50 मील की दूरी पर स्थित कोटगढ़ सुंदर सिंह की तिब्बत यात्राओं का एक शिविर बन गया, जहां पर वे प्रार्थना में समय व्यतीत करते और अपने आप को प्रभु की उपस्थिति से फिर भर लेते। 1929 में उनके अंतिम तिब्बत यात्रा में वे तिब्बत में कितनी दूर गए कोई नहीं कह सकता। उनका परमेश्वर के प्रति उत्साह काफी प्रेरणादायक है। क्या हमारे अंदर भी ऐसा ही एक उत्साह है? परमेश्वर के वचन के प्रति और उसके काम के लिए क्या ऐसा ही एक जुनून है?